हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक जेटली। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आर्टिफिशियल आईलैशेस कैसे लगा लो। तो ये हमने अमेज़ॉन से मंगाई हैं और ये इनकी कॉस्ट 200 है। इसमें हमें 10 पीस मिले हैं और काफ़ी अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो पहले हम इनको निकालेंगे इस तरह से और अपनी आँखों के साइज़ के हिसाब से देख लेंगे कि बड़ी हैं कि छोटी हैं। और ये थोड़ा सा मेरे आँखों पे बड़ी हैं और इनके कॉर्नर पर छोटा सा टेप लगा था, तो पहले हम कॉर्नर इनके काट देंगे। जैसे आप देख सकते हो थोड़े बड़े हैं, तो पहले हम कॉर्नर काट देंगे। हाँ, और बाकी लेसेस में हम कभी भी आगे की तरफ से नहीं काटेंगे अगर आपकी बड़ी हैं। और ये हमने ग्लू लिया है और ग्लू से हम इनको पहले चिपका लेंगे। साइज़ के हिसाब से काटने के बाद ग्लू हम अच्छे से लगाएंगे और लेसेस हमेशा बीच से पकड़ेंगे और ग्लू हम अच्छे से लगा देंगे जैसे कि चिपक जाए। और कॉर्नर पे हम ठीक से लगाएंगे थोड़ा मोटा और जैसे कि पकड़ अच्छी रहे और जल्दी निकले ना, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि आई लेसेस लगाई निकल गई, लेकिन आई लेसेस ऐसे नहीं निकलती। आप इसको ग्लू लगा के थोड़ी सी देर छोड़ दो 3 सेकंड के लिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करो। फिर एक ट्विज़र ले सकते हो या आप इसी तरह से रख सकते हो। फिर इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे जैसे कर्व आ जाए और फिर हम इसको ट्विज़र से बिल्कुल बीच में पकड़ेंगे इस तरह से। और फिर हम आहिस्ता से अपनी पलकों पे रख देंगे, थोड़ा सा हम इसको सुखा लेंगे। डायरेक्ट हमने ग्लू लगा के तुरंत हम आईलेसेस पे नहीं रखेंगे 3 सेकंड, उसके बाद हम पलकों पे आराम से रख देंगे। फिर हम इस तरह से उंगली से या आप कोई भी ब्रश की नोक से लेके या आप ये ट्विज़र के ही पीछे से हम इसको हल्के से दबाएँगे और उसके बाद हम चिपका देंगे। और फिर हम जब थोड़ा सा थोड़ी सी रुक के फिर इसको हम अच्छे से आँख पे सेट कर देंगे कि हमारी पलकों से जो हमारी ओरिजिनल पलकें हैं उनसे मिक्स हो जाए। और इस तरह से हम कॉर्नर पे दबा देंगे और पलकों से मिक्स कर देंगे। तो काफ़ी इजी है, आप इस तरह से आप आराम से लगा लोगे। अगर आप बिगनर भी हो तो आप आराम से लगा लोगे। और फिर हम इसको नीचे से थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अपनी आँखों के हिसाब से इनको बस रखना, आपको जहाँ पर आपकी ओरिजिनल पलकें हैं उन्हीं के ऊपर ही रखना है। उससे पहले आप आँखों में आईलाइनर लगा लो, लाइनर लगाने के बाद ही आप इनको रखो। एक लाइनर का कोट ज़रूर लगा लो। लाइनर लगाने से यह है कि पलकों के जो नीचे का आपको स्किन ब्लैक ही दिखेगी, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगी। लाइनर हम इसलिए लगाते हैं, लाइनर से आपका जो आपने पलकें लगाई हैं वो आपकी बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं, क्योंकि नीचे भी ब्लैकनेस रहती है। फिर अब हम ये दूसरी लेंगे। आप देखो ये इस तरह से चिपकी हुई है और इसका जो कॉर्नर पे है ये कागज़ से थोड़ा सा ये चिपकाया था इन्होंने, तो ये हम हटा देंगे टेप। और उसके बाद ये जो कॉर्नर पर थोड़ा सा आप देखोगे लंबी हैं, तो इनको हम शेप देने के लिए काट कर देंगे। ये देखिए इनके कॉर्नर इस तरह से हैं, क्योंकि इसमें टेप लगा हुआ था तो हम ये कट कर देंगे। और कट करने के बाद भी हम अपनी आँखों का साइज़ देख लेंगे कि आपकी बड़ी या छोटी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो हमको थोड़ा सा कट कर देंगे, एक बार पहले लगा कर देख लेंगे कि बड़ी है कि छोटी है। अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे। अब आप फिर से देख लो कि ग्लू कैसे लगाएंगे। ग्लू हम अच्छे से लगाएंगे और ऊपर की ही तरफ लगाएंगे, नीचे की तरफ हम फैला के नहीं लगाएंगे, जैसे कि फिर ये इधर उधर चिपक जाएगा आँखों पे। तो हम बिल्कुल इस पे ही लगाएंगे और आईलेसेस को हम बीच से पकड़े रहेंगे और थोड़ा सा इनको सूखने देंगे ग्लू के बाद। और फिर हम इसको अंदर की तरफ कर्व देंगे बिल्कुल थोड़ा सा ये इस तरह से कि आपके आईलेसेस ओरिजिनल आईलेसेस से मैच कर जाएँ। फिर इसके बाद हम बीच से ट्विज़र से पकड़ेंगे। आप ट्विज़र नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो। फिर आराम से हम इसको आँखों के ऊपर रख देंगे इस तरह से और फिर हम हल्के हाथों से इसको सेट कर देंगे। जैसे आप इधर से उधर से उठी हुई है उस हिसाब से हम खींच के थोड़ा सा धीरे से हम करेंगे। और ये हमने सेट कर दी और इस तरह से देखो आप ये आईलेसेस लग गई। अब इनको निकालने का भी तरीका हम बताएंगे कि कैसे निकालें। अब इसके साथ ही जब थोड़ा सा फिर हम स्टे करेंगे लगाने के बाद, उसके बाद हम आईलाइनर लगा देंगे एक कोट और उसके बाद हम ये मस्कारा दोनों लेसेस को मिलाकर मस्कारा लगा देंगे।
जैसे दोनों लेसेस आपस में मिक्स हो जाएं और एक सी लगें, आर्टिफिशियल लेसेस ना लगें, और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप इनका मेकअप में अगर यूज़ करते हो तो आपका मेकअप में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है, और इनको निकाल कर आप आसानी से रख सकते हो, आपकी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको निकाल के रखना है तो आप निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। बस हमने जब भी निकालना है तो इनको हम हल्के हाथों से बस थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे एक तरफ से, और ये खींच जाएंगी बड़े आसानी से। और इधर की भी आप देखो इस तरह से हम करेंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से हम इनको खींच लेंगे, और इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा ग्लू लगा था वो हम निकाल लेंगे। जैसे आपने देखा जो ग्लू है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, हटा देंगे, और फिर इनको क्लीन करके किसी साफ़ कॉटन से, कॉटन के हैंकी से या नैपकिन से पोंछ के बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, और ज़्यादा करेंगे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। फिर हम इनको उसी जगह पर रख देंगे, आपको फिर काम में आ जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, मेरा चैनल का नाम आलोक जेटली के नाम से है, और इसमें मैं इसी तरह से और वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।